ਸਰ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਇਹਦੇ ਨਾਨ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ बच्ची तो खुश हैगा सी इहदे मामे इहनू पंप करदे कि तू छड़ दे मेरे सासुरा जदों दी कुड़ी होई है कहिंदे कुड़ी की होई है मुंडा होना चाहिए सी इस कारण ओह मुंडे नू समझांदे कुड़ी नू छड़ के इहदे कोल आया आपी इहदे मां प्यो देखण ना देखण तेरा असीं दुबारा विआह कर दांगे उहदे विच असीं आपी मुंडा देख लांगे इह कुड़ी नू इहनां दे कोल सुट्टिआ इस कारण इह बंदा मैनू 10 दिनां तों छड़ के चला गिआ अपने नानके रहिंदा पिआ उत्थे दी मामे दी कुड़ी वी आंदी है इह उहनां दे नाल उत्थे उहदी सैटिंग कराउंदे पिआ मैनू नहीं पता 10 दिन तों मेरा घरवाला की करदा पिआ कित्थे जांदा पिआ तलाक दे के आ जा असीं तेरी मामे दे मुंडे नाल दुबारा विआह कर दांगे मामे दी कुड़ी इन्हां दे नाल मामे दी कुड़ी जिथे विआही हुई है उहदे बंदा 50 सालां दे कोल है ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਰੇ ਦੂਰੇ ਪੈਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਜੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਲੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਦੇ ਭਾਈ ਤੇ ਮਦਰਾ ਗੋਰੀ ਲਾਤਰੀ ਲਾ ਲੋ ਭੈਣ ਸੋਈ ਵੀ ਪਈ ਭਾਈ ਮੈਂ चल बेटा घबरा ना आप पूरा इंसान लेना मतलब लाँगे सरकार साढ़े नाल है सानू कोई गल नहीं फिक्र नहीं साढ़े ना पूरा इंसाफ होएगा तू डर ना कोई गल नहीं घबरा ना इन्हों जिन्हें मर्जी भावें मामे बदमाश छगे ने कोई गल नहीं कानूनी कारवाई करनी चाहिए लड़ाई झगड़ा करके दवाई घरों कढ़ दिंदा हर गड़ी आई ताली खर्चा पानी प्यो साढ़े को 30-35 हज़ार रुपया मैं अपनी जनानी को चोरी बदली दी अपनी धी चल पी मेरे भरा की कुछ मेरी कि चलो आप घर कुड़ी का बनता रहे इस तो कई मदद की सानू नहीं पता एडे हल्के बंदे निकल गए मुंडे मामे कुड़ी का मुंडे का चक्कर है उन्हें अपनी कुड़ी का घर नुकसान बजे साड़ी कुड़ी के कढ़न के खातर ताड़े ना लड़ाई झगड़ा करता डिमांडा करता कहीं 1,30,000-35,000 रुपया साढ़े को लै बैठा अगर डिमांडा करता कहीं सुन कहीं कह दो बेचने से कहीं मंजिल दे दो इस चीज़ का आप देंगे कल इन्होंने जो ना ही कारण साढ़े वे भरा पकड़ करके जख्मी करता इन्होंने तो अभी मौके से गया बचा हो गया जो इन्होंने साढ़े तो जान नहीं भावे कट नहीं की अभी सख्त कार्रवाई चल रही मुंडे के मामे उत्ते होनी चाहिए है नानकिया के उत्ते जिन्होंने यह काम किया झगड़ा कुछ होया मैं किता एक लड़की जेदी कुआरी गई मारा कुटिया गया ठीक है सट्टा लाई गई है मगर उन्होंने यह चाहिए गया कि कुआरी लड़की कुटना नहीं चाहिए है मगर जो कुटिया ना वो जो घर आए दे मामे ठीक है उन्होंने हाथ चलाकी की सट्टा लाइया कपड़े पाले आ मगर यह जो बंद तो वह सज़ा होनी चाहिए मगर सरकार इन्हें चाहिए कि प्यो भी कुट के गए ठीक है सिर पाले टाके लगे
मगर अज इन्हां नाल गल करांगे तुहाडे नाल की होया तुहाडे नाल की होया अज गल करांगे इस लड़की नूं एडी धरन ना की जी थोड़ी दूरी च मेरी भैन बनी सी इन्होंने नानके सारे परिवार मेरी भैन ब्याही हुई है जम्मू पर उन्होंने नानके बिल्कुल साढ़े घर के सामने रहते हैं उन्होंने शाम साढ़े घर के सामने बोलना शुरू कर दिया मुंडे आने उन्होंने ना तीन मुंडे से उन्होंने नाल दो दो जने मामे उन्होंने आप से मेरे डैडी भी थले खड़े से उन्होंने गलों गल ही होने शुरू हो गए तो असं उन्होंने अपने डैडी ने कहा कि अंदर आए हो इन्ने कुछ उन्होंने साढ़े उत्ते इट्टा कुचलानी शुरू कर दी असं डैडी साढ़े ताए चाचे सब खड़े से असं क्या अंदर आए तो सारिया ने उन्होंने इट्टा चलाइया असं उन्होंने फड़न गए तो उन्होंने मेरे पर भी इट एड्डी जोर की मारी नाल उन्होंने मुंडिया ने हाथ चलाकी की चपेड़ा मारियाँ उतो हाथ चलाकी की देखो नाल कपड़े भी पाड़े नाल देखो किन्नी जोर की सारे अगो भी पाड़े वा सारे उत्ते तो सारे मुंडे उन्होंने चढ़ते पे असं उन्होंने पहले ही किया वा पर हनी होंगे पे ये साढ़ा की कसूर असं ब अंदर बस बुला गए सारे मुंडे उन्होंने बंदे सारे पै गए हैं घर उन्होंने कोई भी इधर सारे ताए चाचे भरावान मेरे ने अंदर असं आए हाँ ना होंगे तो इन्होंने जानू मार देना से फादर साहब का भी इन्होंने सिर पाड़िया हो अंदर टांके लगे उन्होंने भी इन्नी दर मैं असं बोरी वाले बाजार से रहने अमृतसर से साढ़ा असं कल बार शामी खड़े से सर मेरा नाम गिनी है इटा मारिया इन्ह ने बड़िया मेरा सिर फट गया टांके लग गए ने इन्होंने पांच सात जने होर भी सी इन्होंने जेडे मैं बहुत ही दूर तक अजे तक भी सुनाई नहीं कर रहे तो इन्होंने मेरी कुआरी कुड़ी के बेचारे कपड़े भी पाले वो मैं थले लगैन आई जी बाजार में खलोता आ जी तो कहती भी डैडी अंदर आया इन्होंने उत्तों इटा चलाइया बड़िया जिदे नाल मेरा सिर पाट गया तो मैं बहुत घबराहट हो गई मैं डिग पिया जी उस तो बाद अं अंदर आ गए हाँ तो यह बारों फिर साडे सरिया सर हमला इन्होंने किया तो मेरी कुड़ी बेचारी अज भी घबराई पई है तो मैं आप ही घबराया पिया मेरे तो इन्होंने सानू जानो मार देना ही अगे भी इन्होंने एक दो बारी इतना हरकत की थी मेरी छब्बी बांधी है उन्होंने मेरी पंजी बनाती है तो मेरा कोई मेरे ना इंसाफ नहीं हो रहा इस टाइम तो मैं किधर जावा तुम मैं दस दे मैं इंसाफ सरकार को यही मंगा करना गरीब आदमी के नाल चलन तो मेरे ना इंसाफ हो जो दोषी है इन्हों सजा हो मेरे घर दो तीन दोस्त भी थे मेरी भैन के भी हथी पे ने कपड़े पाड़े वे तो इन्होंने बहुत ही कम खराब किया ना है देखो जी हरीश कुमार जी जरा हथी पाया उस तो बाद अंकित करण दविंदर उर्फ पप्पी गोभी रिया हरीश की वोटी इन्होंने पूरा हंगामा करके मचाया भी यही योजे सोसायटी को बिलोंग करते हैं तो बाजार पूरा इन्होंने कमरा मचाया अही कहने प्रशासन को इंसाफ दिता जाए जो कार्रवाई बनती इन्होंने उत्ते सख्त की जाए ताकि गांह भी किसी के नाल इदा ना हो ना कोई करे अभी ये मंग करते हैं मेरा नाम हनी है भारती ठीक है मेरे ब्याह नूं 3 साल हो गए हैं जो पहला साल घर ब्याह होया सब तो पहला मेरी सास अपने पेकियां में पीछे लग गई है मैंने परेशान करना शुरू कर दिता परेशानी थोड़ी थोड़ी देर बाद लड़ाई झगड़ा उतों से परेशानी के कारण मैं एक दो बार अपने माँ प्यो नूं बुलाया उन्होंने आके गलबात की पूछा इन्होंने उन्होंने वध घट गल्लां बातें कीतियां फिर असं उतों सोचा कि इतने रहने नालों चंगा होगा वै असं बाहर चल जाने उतों असं लुधियाने आ गए लुधियाने आके असं अपने किराए के उत्ते रहना शुरू हो गए जिहड़ा मेरा दाज वगैरह मिलिया से मेरा जम्मू ही ब्याह आया इतने आके मेरे माँ प्यो ने मैंनू सारा कुछ दुबारा दिता दुबारा देने बाद असं उत्थे अपनी नवीं जिंदगी शुरू की उत्थे मेरा घर वाला मेरे नाल ठीक रहिंदा सी उस तो बाद इन्होंने प्लैनिंग ये माँ प्यो ने ये नानकिया ने इन्हू प्लैन दिता कि तू अमृतसर चला जा इन्हू लैके उत्थे दे माँ प्यो अपने आप इन्हू सामभ ना सामभ सानू कोई सिरदर्दी नहीं रहेगी तू अपने काम वाल ध्यान दे इतों चलाकी ना मैंने अमृतसर आया है अमृतसर आके ये माँ प्यो नानके फोन ये माँ प्यो फोन कर करके परेशान कर दे कि तू इन्हू छड़ दे
तीन चार बार इन्होंने तलाक देने बारे भी गलबात की उदो मैनू प्रैगनेंट हुई सी हूँ ये नानके पिछली बार भी ये नानकिया ने मेरे नाल हथोपाई की सी उदो मैं प्रैगनेंट ही मैं उदो भी प्रशासन अगे गलबात की सी थाने गए कुछ नहीं बनया उस तो बाद हूँ फिर हथोपाई पे ए मेरे प्यो दे इन्होंने सट्टा लाइया मेरी भैन दे लगाइया मेरे भरावां दे लगाइया हूँ मेरा बच्चा भी है तुसीं कहंदे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन्होंने तो मेरी तो जिंदगी खराब की है मेरे बच्चे की भी नाल की है मैं उत्थे रहिंदी सी मेरा सोहरा मैनू हरासमेंट करता सी कि अपने प्यो तेरे प्यो ने गड्डी नहीं दी तेरे प्यो ने दाज नहीं चज्जा दिता उत्थों सुन सुन के इतने आए मुड़ के फोन के उत्ते सोहरा सास सोहरा मैं धमकियां देनिया शुरू कर दिता फिर ये नानके हूँ ये नानका यदा व्डा मामा इन्हों का व्डा मामा चाहता है कि मेरी कुड़ी इन्हों के नाल मेरे इन्हें फिट हो जाए तो पर मेरी जिंदगी तो भाजी खराब हो गई ना इस वास्ते मैं सरकार को यही बेनती करती हाँ मेरा तो मेरे बच्ची बारे कुछ सोचो साढ़े दोनों की जिंदगी के बारे कुछ सोचो उत्थे इन्होंने फारगती मुंडे को बोलते हैं कि हूँ मुंडे को सुनाते फारगती देती ब्याह तो पहले इन्होंने फारगती क्यों नहीं दी मेरी जिंदगी खराब करके इन्होंने फारगती देनी मुंडे ने मिलते वरतते हैं नानके मुंडा जाता है माँ प्यो के कोल जाता है पर मेरे तो चोरी जो मुंडा कमाता मैं अज दिन का कुछ नहीं पता है कि कमाता है कि दिता इन्हें मैंने एक रुपये का कभी कोई खर्चा नहीं दिता मेरी प्रशासन तो यही मंग हैगी है तो मेरी तो मेरे बच्चे के बारे कुछ सोचन तो मैं इंसाफ दें इस पास मुंडा भी मेनू कहना शुरू किया हूं मुंडा मेनू कहंदा कि तू मेरी कुछ नहीं लगती गी मेनू तेरे नाल कोई मतलब नहीं आ मेनू मेरे मामे की कुड़ी मिल जानी है तू अपना देख मैं अपना देखदा प्रशासन तो यही बेनती है मेरा ते मेरी बच्ची बारे कुछ जरूर सोचो साडे दोनों दी जिंदगी दे बारे कुछ सोचो एक आंखे लगे है एक उत्तों इट इन्होंने मारी सी कि फिर थले आके उड्डा मारियां